यार वो अच्छा वो चीजें क्लियर है जहां तक जो अब तक पढ़ा है हम लोगों ने, तो डिस्कस करना है हम लोगों ने। अच्छा अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर का हम लोग ने देखना, पहले हम लोगों ने देखा था फ्लाइट का कि रिवर्स सोर्सिंग के थ्रू किस तरीके से निकलते हैं फ्लाइट। अब हम लोगों ने देखना है एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर सर्च, पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे, बाद में उसके जो है फ्लाइट उसके जो है प्रोडक्ट वगैरह चेक करेंगे। तो पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं डायरेक्ट हम लोग जाएंगे इस तरीके से, पहले हम लोग देखेंगे इधर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इधर से आपने कैटेगरीज उठानी है जो से मर्जी कैटेगरी उठा लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस सप्लायर उठा लें। ये एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च का मैं आपको मेथड बताने लगा हूँ, वो बताने तो लोगों भी सुनोगे तो पता चलेगा वो क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने का तरीका है कि पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट देखेंगे कि जो से डिस्ट्रीब्यूटर हमने ढूंढे उसमें कोई प्रोडक्ट हमारे काम का है या नहीं है। ये वो मेथड है, पहले मेथड था कि पहले प्रोडक्ट देख रहे थे जो से प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे उतर रहे थे, फिर उनके सप्लायर देख रहे थे हम लोग। अब हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई प्रोडक्ट है या नहीं हमारे काम का। ये है उनके निर्णय। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। सर कुछ प्रोडक्ट ऐसे पड़े हुए हैं जो उन्होंने ना दो प्रोडक्ट मर्ज किए होते हैं, एक ही कंपनी के या ब्रांड के होते हैं पर वो उन्होंने डिफरेंट साइज के ना मर्ज करके रखे होते हैं, तो वो उनकी साइट्स पे तो नहीं पड़े हुए, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू दे रहे हैं या होलसेलर के थ्रू। तो वो एक प्रोडक्ट तो जैसे वो मुझे मिला हुआ है, एक प्रोडक्ट है वो ड्राइंग के लिए जो नहीं होते पैड्स, वो हैं उसमें काफ़ी बच भी रहा है, पर एक है 8x10 और 8x11 है, एक साइजेस हाँ डिफरेंट तो है। वो उन्होंने बंडलिंग की होती है ना उसकी। जी, बंडलिंग की होती है तो वो मुझे एक साइज का तो मिल रहा है और बहुत अच्छी कीमत पे मिल रहा है, पर हाँ जो तो उसके फिर दूसरा है हम वो नहीं लोग मिल रहा, दूसरा अच्छा साइज नहीं मिल रहा, जो तो वो नहीं मैं फिर साइज उसका और क्या वेबसाइट करूँ। भी नहीं है कंपनी की वेबसाइट। उनकी वेबसाइट पे तो उन्होंने वो दिए हुए ना कि आप हमारे डीलर से कॉन्टेक्ट करें, वो तो नहीं दे रहे, पर मुझे एक डीलर मिला जो कि दे रहा है उसी साइज का और बहुत सस्ते में दे रहा है, और वो यूएसए की ही साइट है, लेकिन उसके पास पर दूसरा साइज नहीं पड़ा हुआ, ये कह रहे हो आप? दूसरा साइज नहीं है उसके पास। वो फिर ढूंढना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई सलूशन नहीं उसका, ढूंढना तो पड़ेगा फिर भी। और वो उसी के नीचे लिख दूं दूसरे दूसरे की भी इंफॉर्मेशन वगैरह। जी हाँ उसकी भी इन्फॉर्मेशन इसी जगह साथ ही लिख लो अपने। जी ओके। जैसे मेरे पास इश्यू आ रहा है कि आप लोगों के पास भी आ रहा है, खुल नहीं रहा। या आप अपने ब्राउजर में देखना कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, amazon.com खोलो। कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करो, मेरे पास भी नहीं खोल रहा। कुछ नहीं, यही खोलना जो आपके पास खुल गया मेरे पास। अच्छा
आपका आवाज आ रही है? सर, जी आ रही है आवाज। आपने एक टेक्निक बताया था सर करने, अगर उसको थोड़ा सा रिपीट कर ले सर, वो डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करने का या तीन टेक या नहीं है। किस चीज को? हाँ, उसको चेक करना कि या तीन टेक है या नहीं है। सही है। वेबसाइट को, वेबसाइट की बात कर रहे हो आप? सर, यस सर, वेबसाइट की। यार वो मैंने आपको बताया था, ट्रस्ट पायलट से ना चेक हो जाता है, लेकिन उधर हर वेबसाइट का नहीं है, उसके ऊपर हर वेबसाइट रजिस्टर्ड नहीं होती। सर पे रिव्यू वगैरह अकाउंट कर लेंगे सर, जिस तरह होलसेल रिव्यूज तो आप सेंट्रल एक। कर लो उसका, वैसे गूगल में सर्च कर लो उसके बारे में, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। ओके सर, एक होलसेल सेंट्रल है वो किस तरह है सर? क्या चीज है होलसेल सेंट्रल, होलसेल सेंटर? ये वो क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे ख्याल से। हाँ सर, उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं सर, बस पे रिव्यू है बस पे नहीं है। काफी अच्छा है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत इजीली मिल जाती है, तो सबने उसको सॉरी सर, इजीली मिल जाती है क्या? मतलब आप जब काम उठ रहे हो तो इजीली मिल जाते हैं आपको। अच्छा यार, ये आप इजीली देखो, मिल मैं आपको बता रहा हूँ ये, इसको अभी मेरे पास पता नहीं कोई इश्यू आ रहा है, खोल नहीं रहा है, बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से ये कैटेगरीज आपने उठानी है, ये जो साइड पे आ रही है कैटेगरीज, इनकी कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज उठानी, जैसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, या जैसे स्पोर्ट्स है, या कोई भी कैटेगरी, ऑफिस प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसके आगे आप जाओगे ना, सब कैटेगरीज आ रहे हैं। मेरे शायद कोई कुकीज का इश्यू है, खोल नहीं रही है अमेज़न की साइट। आपने वहां से सब कैटेगरी उठानी है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है ऑफिस सप्लाईज, और एक साइड पे आपने ना यहाँ पे खोल लेना, एक साइड पे आपने यहाँ से अपनी कैटेगरीज खोल लेनी है, जो से भी है कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज ओपन कर लेनी है। सेकंड यहाँ पे आपने खोल लेना स्टेट इन यूएसए, स्टेट के नाम लिख लेना इधर आपने, यूएसए के जितनी भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जैसे लिखा ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, और आगे यहाँ से कोई भी स्टेट उठा लेनी है, ऑफिस सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर, वर्जीनिया, ये देखो कोई भी स्टेट का नाम उठाना है। जैसे आपने सब कैटेगरी डाली, एंटर किया, आपके सामने ना डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट आ जाएगी। ये जो एड्स है, एड्स को छोड़ देना आपने, ठीक है। नीचे देखना, यहाँ पे देखने का फायदा नहीं, क्योंकि हर बंदा शुरू के 4-5 पेजेस ही देखता है, आपने शुरू ही 5वें 6वें पेज से करना है। 5वें 6वें पेज भी आए आप, इधर आपने जो एड्स होंगी एड्स को छोड़ देना आपने, फिर उसके बाद जो होंगे ना डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको उठा लेना आपने एक एक करके। हाँ इसी, 5वें पेज से लेके तो 8वें 10वें पेज तक ना जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी लिस्टिंग बनाते जाए कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अभी एसपी रिचर्ड्स है, ये जो खुला है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एसपी रिचर्ड्स। इसके साथ अगर आप लोग अकाउंट खुलवा लें तो एक ही सप्लायर के साथ आप 1 लाख करोड़ की भी सेल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं एसपी रिकेट के साथ। मतलब इसकी आप, इसके बाद इतने ज़्यादा है, ब्रांड है और चीज़ें हैं कि आप, बहुत बड़ा ब्रांड है ये पिछले पिछले बैच वालों को मैंने टास्क दिया था, कोई इसके साथ अगर अकाउंट सेटअप करेगा तो उसको इनाम देंगे, किसी ने नहीं किया। एसपी रिकेट याद है, एसपी टीचर्स, मैंने 3-4 दफा ग्रुप में कहा था आप लोगों से। आप लोगों के लिए भी ये टास्क होगा कि अगर कोई इसके साथ अकाउंट सेटअप करेगा तो उसको मेरी तरफ से कैश इनाम होगा, ठीक है। करते हैं, करवाना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, कॉल करनी पड़ती है बार बार, उनको तंग करना पड़ता है, बच्चे तंग करते नहीं, हम लोगों ने किया हुआ तंग, हम लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, जैसे वो zomi.com वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो वैसे वीडियो पढ़ना पड़ता है, 10-12 प्रोडक्ट लेने हैं, नहीं 10-12 की लेनी है। एक भी प्रोडक्ट किसी से लेनी हो, मेहनत तो है उसके लिए, आप एक भी प्रोडक्ट आपको अच्छी मिल गई है वही आपका पूरा बजट करवा देती है। यूके में हमारे पास एक थे बॉक्सेस थे,
वो सिर्फ एक ही सप्लायर हमारा पूरा नहीं होता था, मतलब हमारा बजट खत्म हो जाता था वो सप्लायर के पास प्रोडक्ट और प्रॉफिट नहीं खत्म होता था, इतना से भी होता होता है। अच्छा अब ये देखो जी, आपने अब जहाँ तक समझ आई है कि आपने एक तरह से कैटेगरीज खोल ली है अमेजोन पे, एक एक टाइप पे आपने स्टेट खोल लेनी है, ठीक है, फिर वो कैटेगरीज का नाम लिख के डिस्ट्रीब्यूटर है वो इन डिफरेंट स्टेट में करते जाओ, एड छोड़ देनी है, पांचवें छठे पेज पे चल जाना, उसके भी एड छोड़ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट आ रही है वो लिस्टें निकालते जानी है उसकी, आप लोगों ने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जानी है, उसकी ईमेल फोन नंबर और सारा कुछ, फिर उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करने के बाद फिर हमें पता चलेगा जब वो अपनी शीट हमें देंगे कि इसमें कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है या नहीं है। ये थोड़ा आसान मेथड है, सिर्फ कीवर्ड डाले, डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्टें निकाली, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बाद में पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे काम के नहीं है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो है रिवर्स सोर्सिंग जो हमने पहले पढ़ा है उसमें ये बेनिफिट है कि हमें पता होता है कि ये प्रोडक्ट है इसकी अब हमने सप्लायर ढूंढना है, ठीक है, ये दो डिफरेंट मेथड हैं। अब इसमें आपने देख ये कैसे देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये सप्लायर रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी तीन चार निशानियां हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट होंगी उसमें आपको उन्होंने लिखा होगा बिकम अ डीलर, बिकम अ पार्टनर, या होलसेल लिखा होगा, या उनका लिखा आ रहा होगा कि मतलब इस किस्म की चीजें लिखी आ रही होंगी कि बिकम अ डीलर, बिकम अ पार्टनर, सेटअप होलसेल अकाउंट या होलसेलर, इस तरह से पांच छह चीजें उन्होंने लिखी होंगी, कोई देखते हैं इधर अगर हमें मिलता है तो। हाँ वो इंटरनेशनल ब्रांड जैसे पेप्सी कोक वगैरह इंटरनेशनल है, इस तरह से होता है, हमने यूएस का देखना है। लो 10% हाँ तो ठीक है, ये देखो ये लिखा आ रहा है इस पे बिकम अ कस्टमर, ये डिस्ट्रीब्यूटर है इसका मतलब, ये निशानी होती है, ये यहाँ से भी बिकम अ कस्टमर, इधर आप करेंगे या इन्होंने फॉर्म दिया होगा अपना कि फॉर्म फिल करें, या लिखा होगा कि इधर हमें आप ईमेल करते हैं। वेयर टू बाय, वेयर टू बाय में वो बता रहा था कि हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे कहाँ से, वहाँ पे आके जाओगे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट आ रही होगी या लोकेशन आ रही होंगी, ये देखें ये जो आ रहा है ना फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म फिल करना है, एक निशानी ये भी है कि अगर रिटेलर की वेबसाइट होगी ना वो आपसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा, ईमेल एड्रेस और बस, या फोन वो मांग लेगा फोन नंबर या आपका पर्सनल एड्रेस, जो होगी ना डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर की वेबसाइट वो आपसे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। अब ये देखें ये इन्होंने लिखा हुआ है अबाउट योर बिजनेस, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर होगा या सप्लायर होलसेलर होगा या इसका क्या नाम है सप्लायर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन मकसद है कि ये आपको होलसेल अकाउंट दे सकते हैं। दूसरे जो होते हैं उनमें ये नहीं आ रहा, वो उसमें सिंपल आ रही है डिटेल, पर्सनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं रिटेलर, ये इन दोनों का डिफरेंशिएट है, या फिर इसमें लिखा आ रहा होगा बिकम अ पार्टनर जैसे इसमें लिखा था बिकम अ कस्टमर, इस तरह से। और दिखाता हूँ, सर ये होलसेलर इनके लिए बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है इनकी? रिक्वायरमेंट वो बताएंगे आपको, ये देखो बिकम अ डीलर जैसे इस वेबसाइट पे लिखा रहा है बिकम अ डीलर, इनसे फिर कम्युनिकेशन करेंगे तो है? जब पीछे जा रहा है चलो अभी आ जाता है। हाँ यूजुअली सर क्या होती है रिक्वायरमेंट जो हम पूरी कर सकते हैं, मतलब कोई वो इतनी? आपसे कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं, रीसेल सर्टिफिकेट मांगते हैं और आपसे EIN नंबर मांगते हैं, ये तीन चीजें मांगते हैं तो इजीली आप उसको कर दोगे, आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते उसकी। सॉरी फाउंडिंग जब कंपनी बनी होगी हमारी, कंपनी बनाना जरूरी है, ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंशिएट पता चल गया आपको इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है। सर हाँ जब क्लाइंट होगा, अभी प्रैक्टिस फेज में अगले महीने, अभी मतलब ये मंडे से हम आपको कंपनीज दे देंगे, उन कंपनी के ऊपर प्रैक्टिस जो करनी है वो सारा मैं गाइड करूंगा कैसे आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम टीम में ऐड कर लेंगे, जो नहीं परफॉर्म कर रहा होगा वो अपना भी करना चाहिए, या परफॉर्म कर भी रहा है फिर भी अपना करना चाहिए तो बेशक अपना कर ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है, जो हमारे साथ ऐड होना चाहिए वो हमारे साथ ऐड हो जाए। यहाँ तक चीज़ें डिफरेंशिएट दोनों का पता चल गया, रिटेलर और होलसेलर की वेबसाइट का आप लोगों को है। बारह
अच्छा दोबारा तो सली से समझता हूँ कि चलो अच्छा अब आप लोगों ने जो फर्स्ट ईमेल करनी होती है वो क्या करनी होती है मैं आपका एक ओवरव्यू देता हूँ। आप लोगों ने सबने अपने अपने वर्डिंग में लिख के लेके आनी है एक अच्छी प्रोफेशनल ईमेल लिख के व्हाट्सअप कर दो पर्सनल कर दो ग्रुप में कर दो ग्रुप में कर दो ज़्यादा बेहतर है कि सबको आइडिया हो रहा होगा कि किस किस्म की ईमेल लिखनी है। एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ पहले आप अपनी लिख के लेके आए किसी के लिए फिर मैं आपको ना दो तीन टेम्पलेट शेयर कर दूंगा उधर से आइडिया लेके फिर उसमें थोड़ी चेंजिंग करके उसके मुताबिक आपको बना लीजिएगा ठीक है। अब ईमेल में आपने शुरू कैसे करना है शुरू आपने करना है हाई से हाय हेलो या ग्रीटिंग इन तीन लव के अलावा कुछ भी नहीं करना आपने ठीक है। ये भी नहीं लिखना कि होप यू आर डूइंग वेल अक्सर वो मैंने देखा लिख रहा था होप यू आर डूइंग वेल लिखना तो ठीक है लेकिन ना लिखें तो वो प्रोफेशनल ईमेल से वो कंपनी टू कंपनी चल रही होती है उसमें अक्सर नहीं लिखा हो रहा था इस तरह से ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट आपने अपना इंट्रोडक्शन अगर आपको हमने इंग्लिश नेम दिया हुआ तो इंग्लिश नेम नहीं तो अभी फिलहाल अपना नाम आई एम रेहान अहमद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एबीसी कंपनी वी आर बेस्ड इन अपनी स्टेट का नाम लेते हैं न्यूयॉर्क जो भी अपनी मर्जी से फिलहाल वी आर बेस्ड इन न्यूयॉर्क वी आर एन ई कॉमर्स रिटेलर के हम ई कॉमर्स रिटेलर हैं हम लोग इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं किस तरीके से मतलब के ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देना कि हमारी अगर आप करवाना चाहें अगर ऐड करना है ना करें आपकी अपनी मर्जी है कि हम लोग ग्रोइंग कंपनी है और हम लोग मैं आपको तीन चार ऑप्शन बताता हूँ एक आप इस तरह लिखना कि हम लोग ग्रोइंग कंपनी है और अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम लोग ये कैटेगरी में काम करने लगे थे जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस सप्लाई था तो आप लोगों ने कहना कि वी आर ग्रोइंग कंपनी एंड एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस ऑन ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी तो वी गो थ्रू योर वेबसाइट एंड पॉइंट मतलब इस तरह से लिख देना कि आपकी वेबसाइट हमें अच्छी लगी तो हम लोग आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताएं इस तरह से लिख देना या फिर आप लोगों ने लिख देना कि क्या नाम है हम लोग ग्रोइंग इंडस्ट्री हैं और हम लोग यार आप लोग थोड़ा बात स्लो करें क्लास चल रही है तो ये इस तरह से आपने लिखना है कि हम लोग ग्रोइंग इंडस्ट्री हैं यार वैसे लिखने के क्या नाम है हम लोग आप लोगों के साथ अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं इस तरह से कोई बात लिख दें या कोई अपने जहनीय से कोई बात देने में आ रही तो वो लिख दें इस तरह से मतलब मल्टीपल कोई भी बात लिखें कि हम आपका क्यों रब्ता करें और क्यों इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में कोई ना कोई आपने रीज़न देनी है उसको फिर आपने लिखना है कि आप हमें बताएं कि आपके साथ होलसेल अकाउंट सेटअप करने में क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये लिखनी है फिर आपने लिखना कि हम लोग वी आर विलिंग टू प्रोवाइड यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच यू आर रिक्वायर्ड टू सेटअप होलसेल अकाउंट इस तरह से ये क्लोजिंग लाइन लिख दो और उसमें एंड में लिख दें थैंक्स और नीचे अपना पूरा सिग्नेचर लिखना है सिग्नेचर में आपने नेम के आगे अपना नाम कंपनी नेम कंपनी वेबसाइट अपने अपना जो आपका है डेजिग्नेशन वो लिखना है कि परचेजिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो भी आप लोगों ने अपना रखा होगा उसके आगे अपना नाम लिखना है इस तरह से फिर कंपनी का वेबसाइट कंपनी का फ़ोन नंबर कंपनी का EIN नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या नाम है उसका बस ये तीन चार चीज़ें होती है या ईमेल ये तीन चार चीज़ें होती हैं मतलब ये अपना पूरा सिग्नेचर बना के तो आप लोगों ने सेंड करना है लेकिन ये पूरा पहले एक ईमेल का टेम्पलेट बना के ग्रुप में भेजें सारे ताकि उसको हम लोग देखें कि आप लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग हुई इस चीज़ की फिर उसके मुताबिक फिर मैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट होंगी जिनके अच्छे होंगे उसमें इम्प्रूव कर लेंगे जिनके नहीं होंगे फिर मैं आपको टेम्पलेट भी दे दूँगा कि इसके मुताबिक आप लोग ना थोड़ा सा अपना भी इसमें मिक्सअप करके तो बना लें तो वो आप लोग ये अपना क्या नाम है टेम्पलेट बनाएं तो कल है फ्राइडे कल आप ये टेम्पलेट बना के ना ग्रुप में भेजें अब हम लोग ने करनी स्टार्ट कम्युनिकेशन तो मंडे को कल और परसों आप लोग ना डाटा ज़्यादा सारा इकट्ठा कर लें जिसमें हम लोग बातचीत करनी है मतलब सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च मैसेज मैंने बताया इस तरीके से कम से कम उनको 200-300 निकाल लें तीन दिन है जुम्मा हफ्ता इतवार मंडे को मैं आप लोगों को दूंगा कंपनी की इंफॉर्मेशन और आप लोगों को बताऊंगा कि ईमेल आपने करनी किस तरीके से मंडे का सेशन होगा ऑनलाइन वो आप लोग बैठे ऑफिस आए ना आए क्योंकि मैं जा रहा हूँ लाहौर सैटरडे को तो मंडे की क्लास होगी ऑनलाइन सेम टाइम पर होगी 6 बजे लेकिन ऑनलाइन होगी उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आपने करना है ये क्या नाम है ईमेल किस तरीके से करनी है और उसको क्या नाम है आपने साइन इन करके ईमेल कैसे करनी है रिप्लाई कैसे आएगा एक ये चीज़ आप लोगों को बता दूंगा दूसरा आप लोगों के सामने एक दो कॉल करके बताऊंगा कि कॉल किस तरीके से आपने करनी है ठीक है फिर आप लोगों की अपना शुरू हो जाएगा लेकिन कम अज़ कम 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने अभी आपके सामने 10-20 लिंक खोलना कोई मुश्किल नहीं है जैसे आपने अपना वो कीवर्ड डाला आगे स्टेट डाला बीच में डिस्ट्रीब्यूटर लिख दिया फिर और लिस्टों पे लिस्टें निकाली जाओ डेटा होगा उतना ज़्यादा आप लोगों के पास फायदा होगा मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ डेटा ज़्यादा ज़्यादा निकालें हाँ अब उसको छोड़ दो तीन दिन है जुमेरा कल है जुमेरा जुमा हफ्ता
हाँ वैसे आ जाओ प्रैक्टिस वगैरह के लिए, मैं इधर ही हूँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 3-4 दिन एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोग निकाल लो, ताकि आप लोग के पास डाटा हो कम्युनिकेशन के लिए। मंडे को मैं आपको कंपनी दे दूंगा, कुछ को यूके कुछ को यूएस दे देंगे, ताकि दोनों तरफ प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में शफल करते रहेंगे कि 2 हफ्ते एक बंदे यूके में कर लें, आधे बंदे 2 हफ्ते यूएस में कर लें, तो वो शफल करके कर लेंगे काम हम लोग। दूसरा उसमें ये है कि मंडे को मैं आप लोगों को ईमेल दे दूंगा, आप लोगों को बैठ के कॉल करके दिखाऊंगा कि कॉल पे किस तरीके से बात करनी है, आपने क्या बात करनी है, और उसके बाद फिर शुरू काम, फिर काम स्टार्ट है, फिर प्रैक्टिस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, फिर समझ लो वो काम स्टार्ट है जो आपने क्लाइंट्स का करना है। और ये जो कंपनी पे आपने काम करना है, ये एक्चुअल कंपनी होंगी, ये वो नहीं है कि जस्ट फर्जी है तो हम लोग जैसे मर्जी करें, ये ओरिजिनल क्लाइंट्स की कंपनी में आपकी प्रैक्टिस करवा रहे होंगे आप जी। आप कुछ कहने लगे, आप कुछ कह रहे थे सर इधर? अगर हम यस सर अगर सर हम अगर डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा ढूंढे और उसके लिस्ट बनाए सर, तो हमें किस तरह पता चल जाएगा कि ये मतलब अमेजोन पे भी इसकी प्रोडक्ट से? वो बाद में पता चलेगा जब हम उनसे कम्युनिकेशन करेंगे ईमेल पे और कॉल पे, उसके बाद हमें जब वो शीट्स देंगे, पहले अकाउंट सेटअप करेंगे फिर वो हमें शीट्स देंगे, शीट मिलने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि इनके कोई प्रोडक्ट काम के हैं या नहीं है, उससे पहले नहीं पता होगा। इसमें ये है जो दूसरा मेथड है उसमें हमें पहले परीक्षण से से पता किस होता तरह है। चेक कर लेंगे? वो 3-4 टूल्स हैं, स्कैनर लिमिटेड टूल है, AMD एनालाइजर है टूल, होलसेल इंस्पेक्टर है, और चौथा कीपा है। कीपा से मैं आप लोगों को बताऊंगा, असल आपको कीपा से बताऊंगा ताकि फ्री में हो सर जाए। उसकी प्री एक्सटेंशन से उसकी जी सर वो दूसरा जो एक्सटेंशन है स्केल लिमिटेड, जी जी हाँ, वो पेड है, सारी पेड है, तीनों पेड है। होलसेल इंस्पेक्टर का ट्रायल वर्जन है फ्री, उसको भी हम लोग यूज कर लेंगे बीच में, लेकिन बाकी दो पेड है। अगर वो आप लोगों ने करनी हो तो फिर आपको मैं गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से करनी है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेजेस पे उसकी जरूरत नहीं है। वो तब आप यूज करें जब कम से कम भी को 50-60 शीट्स आपके पास आ गई हैं, फिर आप स्कैनर लिमिटेड लेके तो उसको यूज कर लें, वरना उसके उसको वरना फायदा नहीं उसका टूल का। उसमें ये है कि जो ओके सप्लायर हमें शीट देगा वो आप स्कैनर लिमिटेड में डालोगे, सप्लायर की शीट में प्रोडक्ट्स होते हैं समझ लो कि 10,000 20,000, तो एक एक चेक करने बैठे तो हम लोग पागल हो जाएंगे। तो शीट का फायदा ये होता है, शीट में आप वो अपलोड उसके क्या नाम सॉफ्टवेयर में शीट अपलोड करोगे, अपने फिल्टर्स लगाते हैं कि ये BSR हो प्रोडक्ट्स के और इतने सैलर हो, वो सारे जो फिल्टर्स हमारे हैं वो लगा के हम अपलोड करते हैं। फिर वो जो उनकी शीट होती है ना वो अमेजोन से स्कैन करते हैं कि कीपा में भी है, उसमें ना वो क्या नाम है देखता है कि इस UPC के अगेंस्ट कौन कौन से प्रोडक्ट्स अमेजोन पे पड़े हुए हैं और इस क्राइटेरिया पे पड़े हुए हैं, तो फिर वो शॉर्टलिस्ट करके हमें दे देता है। फिर हमें जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं 150, फिर उन्हीं को चेक करना पड़ता है, ये फायदा उसका। तो कीपा में हम इसको इस तरीके से करते हैं कि कीपा में हम लोग ब्रांड का नाम लिखते हैं, ब्रांड का नाम लिखते हैं और अपने फिल्टर्स 5-6 फिल्टर्स लगाते हैं, पूरे नहीं लगाते फिर हम फिल्टर्स, 5-6 भी ज्यादा बता दें, 3 या 4 फिल्टर, 3 फिल्टर लगाते हैं और हम लोग निकाल लेते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं उसके प्रोडक्ट, जो भी ब्रांड होता है उसके प्रोडक्ट्स। तो वो इस तरीके से जो है क्या नाम है प्रोडक्ट्स निकल सर जाते हैं हमारे मतलब के। हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? जी एक डिस्ट्रीब्यूटर के सारे ब्रांड होते हैं ना, तो फिर एक एक ब्रांड को हम किस तरह चेक कर लेंगे? फिर वही बात आ गई स्कैनर ब्रांड का और नाम डीएनएन लिखे, लिमिटेड के है बहुत सर। इजी है, मैं आपको बताता हूँ। वो स्कैन लिमिटेड अगर पेड आपने लेना तो आप ले लो, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना आसान है। कीपा खोलो आप, सर कीपा में एक ब्रांड के नाम डिस्ट्रीब्यूटर से ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं पड़ जाता, क्योंकि नहीं डिस्ट्रीब्यूटर मुश्किल नहीं के साथ पड़ेगा, तो बहुत से ब्रांड होते जितने भी हैं। होंगे आपको देखना तो है ना, आखिर काम तो करना है। अगर आपने फ्री में करना है तो फिर वो तो मेहनत तो है, अगर आपने पैसे लगाने, उसकी मेरे ख्याल से $60-70 सब्सक्रिप्शन है पर मंथ, अगर आपने 15,000 12,000 पर मंथ देना है तो फिर तो आसानी कर लो, अगर तो आपने हर महीने नहीं देना इनिशियल स्टेजेस पे तो फिर ये मेथड है जो मैं बताने लगा हूँ। डेफिनेटली फायदा है उस चीज का, लेकिन हर महीने अभी तो हमें लर्निंग स्टेजेस पे, अभी तो सेंस नहीं बनती कि हम लोग हर महीने 15,000 दे जाए उसको। हाँ जब पैसे आपको आ रहे हो, आपके पास 2-3 क्लाइंट्स हो, आपका काम बढ़ गया, शीट्स आपके पास हैं, आपने काम स्पीड अप करना है, टीम ग्रो की हुई है, फिर आप स्कैनर लिमिटेड भी लो, AMD एनालाइजर भी लो, होलसेल इंस्पेक्टर भी लो, फिर सारे लो, क्योंकि फिर काम स्पीड अप करना है हम लोगों ने। अभी तो इनिशियल स्टेजेस पे, लर्निंग स्टेजेस पे तो हमने कोशिश करनी है जितने कम से कम पैसों में हम लोग सारी चीजें सीख लें कि होना कैसे काम। अच्छा इसमें आपने डेटा में आना, प्रोडक्ट फाइंडर में आना, इधर आके कंट्रोल एफ करो, फाइंड का जो होता है कंट्रोल एफ करो, फाइंड लिखो ब्रांड डायरेक्ट, अगर आपने उधर जाना है, डायरेक्ट नहीं जाना तो स्क्रॉल डाउन करके भी आ जाएगा, ये ब्रांड लिख के इधर आप ये जो लिखा है ब्रांड, यहाँ पे आप ये ब्रांड का नाम लिखें। सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर के पास फॉर एग्जाम्पल आपके आपके अंदाजे से 100 भी हैं तो आपको जस्ट इधर 100 नाम लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कैफे प्रेस है,
डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि मेरे पास ये कैफे प्रेस के प्रोडक्ट्स हैं, खुद ही ढूंढो, मैं नहीं दूंगा, अमेजोन पे कौन से हैं, ये डाला इधर से आपने इसमें लिखा। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये प्रोडक्ट शो करवा रहा कितने, 12,89,000 इतने प्रोडक्ट शो करवा रहा है, ठीक है। आपने इधर आके अपना सेल्स रैंक का BSR डाला कि कितना होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी डाल दो, 36,000 होना चाहिए। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कितना हो गया, जीरो प्रोडक्ट, एक सेकंड में हमें पता चल गया कि इसके प्रोडक्ट हमारे काम के हैं या नहीं है। प्रोडक्ट इस इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स अमेजोन में 12 लाख से ऊपर पड़े हुए हैं, उनका BSR 36,000 से नीचे जिनका है वो कोई भी नहीं है, वो कोई भी नहीं है। कितना टाइम लगा, एक सेकंड लगा, तो फ्री में हमारा एक सेकंड लग गया, क्या फर्क पड़ता है। तो योर ब्रांड का नाम देखें, अपने दो फिल्टर लगाए, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक और इधर से अपना BSR अपनी मर्जी का रखें। अब इधर BSR रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका सर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखो 1 लाख BSR रखा है तो 64 प्रोडक्ट्स आए हैं, तो इसका मतलब हमारे काम का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरह से अगर 100 ब्रांड्स भी हो तो 100 ब्रांड्स को चेक करने के लिए टोटल 10 मिनट चाहिए होंगे। जी आप क्या कह रहे हो, अगर सपोज यहाँ पे 50 आ जाए प्रोडक्ट्स तो? हाँ 50 आ जाए, हाँ मैं बताता हूँ। जैसे अब ये 64 आए ना, फॉर एग्जाम्पल BSR हमने कम लगाया था, 64 प्रोडक्ट्स आए, नेक्स्ट फिल्टर लगाओ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक का, देखो प्रोडक्ट्स बच गए, फिर अगला फिल्टर लगाओ कि हमें प्राइस रेंज क्या चाहिए। प्राइस रेंज हमेशा रखनी है क्लाइंट के बजट के हिसाब से, प्राइस रेंज का बजट लगाओ, बाय बॉक्स का लगाओ, चार फिल्टर लगाने हैं, ये प्रोडक्ट की शीट डाउनलोड कर लेनी है आपने, फिर आपको सिर्फ 64 प्रोडक्ट्स चेक करने हैं जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, वो भी एक एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। आपने खोला उसके वो देखे, स्टार्स देखे, सैलेड्स देखे, कीपा का ग्राफ देखा, देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे काम का है या नहीं है, तो वो चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी इस तरीके से। ये कीपा में ही है, ये कीपा में जो आप देख रहे हो ना प्रोडक्ट फाइंडर में, वहाँ पे है। क्या कह रहे हो आप सर, अगर काम का बिन निकल गया और फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो प्रोडक्ट ना हो, प्रोडक्ट ना हो, हाँ वही ब्रांड, हाँ पॉसिबिलिटीज हैं। आपने इधर से प्रोडक्ट्स निकाल लिए, फिर आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो नहीं होते अक्सर, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी फुल वैरायटी नहीं होती हर ब्रांड की, नहीं होते, जैसे वो अभी नहीं होते, नहीं हो रहे होते बिल्कुल ऐसे ही है। ये हो पॉसिबिलिटीज हैं, वो स्टॉक खत्म हुआ तो, या तो नहीं, या स्टॉक खत्म होगा, रीजन दो तीन ही हो सकते हैं, या स्टॉक खत्म हुआ हुआ है, या उसके उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स दिए हुए कि सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही देंगे, हम अपने हम डायरेक्ट खुद नहीं बेचेंगे, तो ये चक्कर। अच्छा आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो ये शब्बीर? अच्छा यहाँ तक ये चीज समझ आ गई कि ब्रांड्स को हमने किस तरीके से देखना है, ठीक है। जब शीट्स आएंगे तो हम लोगों ने ऐसे फौरन इसको इस तरीके से देख लेना। अब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर, एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर बहुत आसान मेथड है और जल्दी जल्दी ढूंढने वाला मेथड है, तो कोशिश करो कम से कम। सॉरी सर, हाँ लास्ट टाइम बताया था एक मैंने, ये वाला आज वाला जिसमें से हम लोग अग्रेसिवली सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हंट कर रहे हैं, हाँ प्रोडक्ट्स को पहले नहीं देख रहे, इसलिए इसका नाम रखा है अग्रेसिव, कि हम अग्रेसिवली मतलब बस हमारा फोकस होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढी जाओ ढूंढी जाओ ढूंढी जाओ, काम के हैं नहीं है वो बात की बात है, बस ढूंढी जाने हमने जी। हाँ ये उल्ट जा रहे हैं ऐसे ही है। जी जी सर, जो प्रोडक्ट्स जिस तरह यहाँ पे 64 प्रोडक्ट्स निकल गए सर, इसकी एसएन होलसेल के साथ भी कंपेयर, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कंपेयर कर लेंगे, यूपीसी कोड वगैरह या पिक्चर के? हाँ जी हाँ जी, यूपीसी कोड से ही आप देखेंगे ना, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने या यूपीसी कोड दिया होगा या SKU दिया होगा या प्रोडक्ट ID दिया होगा, कोई ना कोई चीज दी होगी, उसको आप अमेजोन में जाके कीपा से जो कीपा का डाटा से उधर से आप देख लोगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है किस प्रोडक्ट की, वो सेम होगा दोनों? हाँ एग्जैक्ट सेम होता है, हाँ SKU से भी होता है, SKU से भी होता है, प्रोडक्ट ID भी दी होती है, कोड भी, प्रोडक्ट कोड भी दिया होता है, कईयों ने सिर्फ UPC कोड, ये चार चीजें होती हैं, इन चारों से होता है। अगर कोई भी चीज मैच नहीं हो रही, फिर आपने उसका नाम देखो, उसका जो एग्जैक्ट नाम देखो मैच हो रहा है कि नहीं, नाम भी मैच नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट की तस्वीरों से आपने मैच करना है, तस्वीरों में भी आपको फिर देखना पड़ता है कि एग्जैक्ट सेम है, उस तस्वीरों में वेट आ रहा होता है, उसका नाम आ रहा होता है, क्वांटिटी आ रही होती है, वो हर चीज़ फिर तस्वीरों से मैच करनी पड़ती है आपको। तस्वीरों में भी ये नहीं देखना कि एक प्रोडक्ट सीधा नजर आ रहा है और एक प्रोडक्ट लेटा हुआ आ रहा है, आपने उसका जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है ना वो मैच करनी है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली हमने कोई प्रोडक्ट चेक किया था कि वो अमेजोन पे ऐसे पड़ा हुआ था,
की वेबसाइट में ऐसा था, शायद क्लास में हमने देखा था, ऑरेंज कलर का जो प्रोडक्ट था, हाँ क्लास में देखा था ना हमने, तो वो तस्वीर का सिर्फ आपने वो नहीं देखा ना कि किस एंगल से पड़ी हुई, आपने देखना कि उसकी डिस्क्रिप्शन मैच हो रही है कि नहीं। सर जी, जी जी सर, प्रोफेशनल ईमेल को, ईमेल को सर हम किस तरह ऐड कर लेंगे अपनी ईमेल पे? अपनी प्रोफेशनल ईमेल को क्या कह रहे हो सर, उसको किस तरह ऐड कर लेंगे उसको? अभी अभी इस स्टेज पे तो मैं आपको दूंगा, अगर आपके पास क्लाइंट है तो क्लाइंट वो आपकी जो वेबसाइट बनाएगा तो उसको कहो के वो अपनी होस्टिंग से बना के दे ईमेल, और अगर आप अपनी कंपनी बना रहे हो तो जो वेबसाइट बनाओगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है keeper.com, तो आपका नाम आ रहा होगा मोहम्मद शबीर @keeper.com इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से होगी वो प्रोफेशनल ईमेल। सर एक क्लाइंट से उनके बजट है उसके पास सर, सर उसके लिए इन्वेस्ट कर लो, कितना बजट है? $7,000 हो, लेकिन कुछ नहीं बना उन्हें वेबसाइट ना उसका कंपनी फॉर्मेशन। हाँ तो उसको बता दो कंपनी फॉर्मेशन में जितने पैसे लगते हैं वो बता दो, और उसके बाद जो है उसके को के वेबसाइट में जो खर्चा है वो बता के, तो बाकी उसको को आपके इन्वेस्टमेंट हम प्रोडक्ट्स में करेंगे, इस तरीके से उससे बात कर लो आप। सर फिर मंथली कितना बच जाएगा अगर अच्छी सी प्रोडक्ट ढूंढ उसके लिए? यार मंथली ना आपने जब भी क्लाइंट को बताना ना, वो पूछे कि क्लाइंट का बजट है 7,000, तो उसको मैं क्या बताऊं कि कितना बचेगा? जब भी आपके पास कोई क्लाइंट है ना, वो जो भी बजट बता रहा है उसको बजट का ना आपका जो सिलसिला जो आपका वो सर्कल बनता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल आपने 1,000-1,500 की चीज़ ले ली, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपने टेस्ट इन्वेंट्री ली, बाकी आपके पास पड़ा होता है, 1,000 की चीज़ आपकी चली गई, पीछे से प्रोडक्ट्स और ढूंढ लिया आपने, फिर 1,000 की चीज़ बेच ली, फॉर एग्जांपल आपके आधे पैसे जो है आपने लगा दी इन्वेंट्री में, आधे आपके पास बैकअप में पड़े हुए हैं, तो इन्वेंट्री जब बिकना शुरू होगी वो फौरन तो नहीं बिकेगी, वो थोड़ा सा टाइम लेगी बिकने में, बिकने के बाद अमेज़न भी उसके पैसे आपको वापस कर रहा है वो 14 दिन बाद कर रहा होता है, टाइम लेता है, तो आपके जो असल प्रॉफिट बनते हैं ना वो आपने उसको हमेशा क्लाइंट को बताना कि ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल 10,000 आपका बजट है तो प्रॉफिट आपने 5,000 के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि आधे पैसे सर्कल में होंगे, आधे रास्ते में होंगे, कभी इन्वेंट्री की सूरत में होंगे, कभी अमेज़न ने रोके होंगे, कभी बैकअप में पड़े होंगे, तो असल जो एक्चुअल आपका सर्कल बन रहा होगा ना वो आपकी 50% इन्वेस्टमेंट के ऊपर बन रहा होगा, 100 के ऊपर कभी भी नहीं आपने कहना कि 10,000 के ऊपर तो मैं 20% 2,000 बचेगा, वो फिर जब एक्चुअल रिजल्ट की तरफ आप आओगे ना उसको बच 1,000 रहा होगा, 700 बच रहा होगा, तो वो फिर लड़ पड़ेगा आपसे कि मुझे तो तुमने ख्वाब दिखाए थे 2,000 के, मुझे बच रहा है ये, तो आपने हमेशा रियल पिक्चर उसको दिखा देने की भाई इतना टाइम लगेगा प्रोडक्शन टीम में और उसमें फिर ये सर्कल बनेगा, इस तरीके से सर्कल भी आप उसको पूरा समझाओ कि मैं इन्वेंट पहले प्रोडक्शन टीम करूंगा उसमें टाइम लगेगा, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग है, फिर अगर प्रेप जाना हुआ प्रेप में जाते जाते टाइम लगेगा, फिर प्रेप से अमेजोन के वेयर हाउस जाते जाते फिर लाइव होते होते अब हमारी इन्वेंट्री को मेरे ख्याल है बिल 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए आज रिसीविंग में स्टेटस आया है, तो वो 10 दिन से पैसे बाउंड नहीं है, उसको हम किसी खाते में नहीं कर सकते हैं, तो वैसे देखा जाए तो जो असल इन्वेस्टमेंट है वो 10 दिन प्रेप सेंटर में पड़ा रहा है, उससे एक दिन में बाय किया, 2 दिन में प्रेप सेंटर में पहुंचा, 10 दिन में जाके अब वेयर हाउस में पहुंचा, यानी कि 22 दिन गुजर गए हैं, अभी तक सिर्फ एक यूनिट बिका उसमें था क्योंकि अभी तक पहुंचा नहीं है, तो ये चीज़ आपने क्लाइंट को अपने क्लियर कर देने की, ये इतना लंबा प्रोसेस इसका है आपकी इन्वेंट्री पहुंचते पहुंचते अमेजोन के वेयर हाउस और अवेलेबल टू सेल होते होते टाइम लग जाएगा, तो आपने एक्चुअल प्रॉफिट जब भी बताना 50% इन्वेस्टमेंट का बताना होगा, उससे भी कम लेकिन 50% तो आपने बता सकते हो आप, एटलीस्ट 50%, और जो मार्जिन है वो अब आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जी सर, मैं टू लिस्टिंग का तरीका भी बताएं। लिस्टिंग का तरीका बिल्कुल आपको बताएंगे, अब ये नेक्स्ट आपको पहले ईमेल का बताऊंगा कि ईमेल आपने कैसे करनी है, एक हफ्ता हम कम्युनिकेशन करेंगे, उससे अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा कि लिस्टिंग क्रिएशन, सेलर सेंट्रल की सारी चीजें, शिपिंग प्लान कैसे बनाना है, वो सारी चीजें बताऊंगा, उसके बाद जो अगले 15 दिन होंगे वो टोटली फुल टाइम प्रैक्टिस होगी। और कोई चीज आज के लेक्चर के हिसाब से? डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करना समझ आ गई है, कैटेगरी उठानी है, स्टेट उठानी है और सर्च करी जाना, डिफरेंट स्टेट का सर्च करते जाए। आपने गूगल से डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट, सॉरी सर, जी जी सर, आपने गूगल से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर सर्च किया सर, फिर अमेज़न में आपको जाने का क्या कि आपने कैटेगरी को वहाँ पे सेलेक्ट किया, उसका क्या मतलब? उसका ये मतलब है कि देखो आपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिए, अब आपको नहीं पता कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई आपके काम का प्रोडक्ट है या नहीं है, आपके जब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कम्युनिकेशन करोगे आपसे, आपको उससे सप्लायर की शीट, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको शीट देगा, शीट देगा या कह देगा मेरी वेबसाइट से खुद ही चेक कर लो हमारे पास शीट नहीं है,
फिर आप इधर से जाके चेक करोगे कि अमेजोन में हमारे मतलब के कोई प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, इस तरीके से। सर इसका उसका एक ये और फीस आसान तो तरीका वो ये बहुत भी है, सर, मैं बताता हूँ, एक और आसान तरीका ये भी है कि जिस सप्लायर को आप देख रहे हो ना, डिस्ट्रीब्यूटर को, उसकी वेबसाइट को गो थ्रू कर लो, स्टार्ट में ही देख लो कि इस वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट उसकी कंपनी अमेजोन में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका ब्रांड, जैसे मैंने अभी ट्रैक कीपा का, उसके थ्रू सर्च कर लो, या फिर उसको क्या नाम है प्रोडक्ट का वन बाय वन नाम लिख के सर्च कर लो, इस तरह से कर लो। अगर तो कोई मैच हो रहा है, कोई 8-10 डिस्ट्रीब्यूटर्स करके देख लो, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट बना लो, नहीं मैच हो रहा तो उसको स्किप कर दो। हाँ एक भी मैच हो जाए तो काफ़ी है, ज़रूरी नहीं ज़्यादा हो, एक भी मैच हो जाए तो काफ़ी है। वो हो या ना हो उसकी खैर सर है, कुछ अब किस तरह ना है एक अगर मैच हो रहा है ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई और निकल आएगा, फिर आप अगले डिस्ट्रीब्यूटर के मूव ऑन हो जाओ टाइम बचा के। क्या कह रहे हो सर, आप? ये इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है या फिर सिर्फ इनकी साइट का यूआरएल वगैरह लिखना वही है? URL, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और अच्छा उसका नाम, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम। ओके सर। सर फ्रंटियर को आप डिस्ट्रीब्यूटर पे काम क्या हुआ है? किसने? मैंने बहुत डिस्ट्रीब्यूटर से काम किया। सॉरी नहीं सर फ्रंटियर कॉप जो है US का, सर एक फ्रंटियर कॉप डिस्ट्रीब्यूटर है सर, नहीं, उसके साथ सी नहीं ओ है डबल नाम। ओ पी नहीं, आप नाम मुझे यस सर। शेयर करोगे तो फिर आइडिया होगा कौन सा आप कह रहे हो, लेकिन जो आप बता रहे हो, जो समझ आ रही है उसके मुताबिक नहीं किया हुआ इसके साथ काम मैंने। ओके सर, उसके सब पास भी बहुत ज्यादा ब्रांड पड़े हुए हैं। होंगे वो, आप दिखाओगे तो फिर देख के आइडिया होगा कि कैसा डिस्ट्रीब्यूटर।